IVM. The Rotormouth Podcast is an IVM production, and if you enjoyed this episode, you can also check out the other awesome shows like Geek Fruit with fellow and television geeks Tejas, Jishnu and Dinkar, where they discuss the world of science fiction and nerd culture. Hi, this is Sanjeev. Welcome to the Rotormouth Podcast. We still have Kumud with us. Kumud was regaling us with stories of what all he did, how he stayed in places where there was no light, there was just one cat, and to then go down 1 kilometer in the ice, they fell multiple times, which he of course enjoyed because that was part of training for probably some role that he did. Kumud, welcome back. और क्या बता रहे थे आप? बता रहे थे लद्दाख में आप इतनी बार गिर चुके स्पिटी विटी में कि अभी आपको गिरने की आदत हो गई है. हाँ नहीं, वो तो देखिए, हम तो उसके लिए इतने तैयार थे कि भैया ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है. और मजेदार चीज क्या है कि जिस रात हम पहुंचे वहां पे लैंडस्लाइड हो गया था, तो हमें लोगों ने पहले ही डराया हुआ था. लैंडस्लाइड हुआ और हम जहां रुके थे, अब मुझे नाम जगहों का नाम नहीं याद आता, तो काश मेरा अगर दोस्त होता तो वो ये सारी चीजें ज्यादा डिटेल में बता देता. और ये सब चीजें सैम को एक 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 तो सैम को भी बुलाना है मुझे शो पे. हाँ, आई थिंक वो तो बाकायदा आपको एक एक जगह बता पाएगा. क्या बात है, यहाँ ये घटा था. क्या बात है. तो वहां से सुबह सुबह हम रात को ही रुके, किसी तरह जगह नहीं मिल रही थी रुकने की, तो खैर किसी तरह रुके. उसके बाद सुबह सुबह एक आदमी वहां से आया, और पहाड़ी आदमी को मैंने रोते हुए पहली बार देखा था. पहाड़ी आदमी लैंडस्लाइड की वजह से पैनिक करके आया, बोलता वो पूरा वो 20 किलोमीटर चल के आया था. ओ माय. और वो लैंडलाइन में फंस चुका था. तो मैंने कहा अरे यार, ये तो बहुत ही मतलब इसकी हालत इतनी खराब है. और हम लोग आपस में बोल रहे हैं यार, जब ये इतना डरा हुआ है तो हम तो कुछ जानते नहीं. तो हमने बोला क्या करें, जाना चाहिए? बोला नहीं जाना चाहिए. बोला वो पूरा पहाड़ गिर गया, ये हो गया, वो हो गया. तो हम लोग आपस में एक दूसरे को देखा, हमने कहा क्या करें, रुके यहाँ पे एक दो दिन? तो हमने कहा नहीं, चलते हैं. चले फिर? हाँ, हम चले. और हम लोग मतलब ऐसी लोग रुक जाते, जैसे बाइकर्स रुके हुए हैं. और वहाँ पे तो बहुत सारा आपको नाले पर सड़क से पार करने पड़ते हैं, जहाँ घुटने पर पानी हो, और इधर खाई है, इधर से झरना बह रहा है. और अगर आप थोड़ा सा भी आपका बैलेंस खराब हो तो नीचे जाओगे, जाहिर है. तो और वहाँ पे बहुत अद्भुत चीज होती थी कि कुछ लोग जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आए हुए हैं, कपल आए हुए हैं, अब वो रोमांस है. रोमांस उधर कर रहे हैं? नहीं, रोमांस ही है जो आपको खींच के लाए इतनी मुश्किल वादियों में. बाकी पति पत्नी तो कम ही उस तरह की कोशिश करेंगे. तो वो आ तो गए हैं. अब वो भाई बाइक, अच्छा वहाँ बहुत हेल्प बहुत करते हैं लोग एक दूसरे की, जाहिर है क्योंकि सब लोग फंसे हुए हैं. अब हम जा रहे हैं, अब क्रॉस करना है, तो वो भाई बाइक लेकर के उसको बुला रहा है. वो रो रही है, बोलती मैं नहीं जाऊंगी. मैंने कहा, और वो बाइक लेके क्रॉस कर गया, उसकी मदद करके क्रॉस. अब उसको पकड़ करके सिर्फ क्रॉस करना है, लेकिन घुटने तक पानी है, नीचे जमीन नहीं दिख रही है, और वो रो रही है. राइट. तो ये अद्भुत है. मैंने कहा तो ये तो अभी तो शुरुआत हुई है. अभी कहां तक कैसे जाएगा ये लोग कैसे जाएंगे? तो लेकिन वो उनकी जो स्पिरिट है वो अद्भुत है. मतलब इसी से मुझे याद है, मैं एक समय में ट्रैकिंग करता था, तो मैं ट्रैक पे गया था, क्या नाम अपना, गंगोत्री गोमुख वाले उस पे. अच्छा. हाँ, वो मैंने किया है. उस समय मैं थोड़ा सा उम्र कम ही थी. अभी भी तो, उम्र कम ही है यार. तो उस समय तो मैं शूट कर रहा था धनौल्टी में, तो मैंने कहा कि मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ, और हमने कहा चलो जाते हैं. अब मैं ट्रैक पे जा रहा था, और वो बहुत मुश्किल ट्रैक था. राइट. हाँ, तो मैं देख रहा हूँ ट्रैक पे जाओ, बंगाली लोग बहुत ट्रैक करते हैं, बहुत घूमते हैं बंगाली लोग. हाँ, बहुत घूमते हैं. अच्छा. उन्होंने इनफैक्ट मेरी जान भी बचाई है उसी उसमें. ओके. तो मैं चढ़ रहा हूँ और मेरे बगल में लोग चढ़ रहे हैं और रो रहे हैं. बड़े बड़े लोग, मतलब अच्छे खासे लोग, जो रो रहे हैं, आंख से आंसू गिर रहे हैं, थकान के मारा टांगे दर्द कर रही हैं, और चढ़ भी रहे हैं और रो भी रहे हैं. तो मैं देख रहा हूँ उनको, मैं बोला अच्छा मुझे भी बहुत थकान लग रही है, लेकिन मैं बोला लौट क्यों नहीं जाते? इसका क्या है, ये कौन सा सुख है? हाँ जी. कि हाँ, तकलीफ सह के ऊपर चढ़ जाना समझ में आता है. राइट. लेकिन अच्छे खासे लोग, मतलब
30-30, 35-35, 25-25 साल के लोग, युवा लोग चढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। ये पहली बार मैंने सुना यार। ये मैंने अपनी आंखों से देखा क्या है। क्या बात है यार। ये अद्भुत था। और मैं वहां ऊपर पहुंचा तो ऊपर जाके तो मतलब आपको हिलने की मतलब ऐसी हालत हो जाती थी, राइट, थकान हो जाती थी। फिर उसी ट्रैक में मैं एक दूसरा रूट लेकर के, अब जाहिर है मुझे जगह तो याद नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ अकेले जा रहा हूँ और कोई नहीं और पैदल चल रहा हूँ। तो बीच में एक जगह कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा कि कितना दूर है। बोला है अभी तो टाइम है। तो मैंने कहा चला जाऊँ, अंधेरा तो नहीं हुआ। बोला नहीं, अंधेरे से पहले पहुँच जाओगे। तो मैंने कहा कोई है? बोला हाँ गेस्ट हाउस है। तो मैंने कहा, बोला कि लेकिन कल सुबह चले जाना। मैंने कहा नहीं, पहुँच जाऊँगा तो पहुँच जाता हूँ। और मैं चल दिया अकेला और पूरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं पास एक झोला था लेकर के अपना चले जा रहा। रास्ते में अचानक से मैं देखता हूँ कि पगडंडी गायब हो गई और कोई न आदमी न आदमजात, एक आदमी नहीं। मैं एक गांव में पहुंचा, वो गांव खाली। ओके। और ये दूसरी बार है, ये तो वो तो बाइक वाला तो अलग था ना, तो तीन लोग थे हम लोग यहाँ, मैं अकेला था और मैं चिल्ला रहा हूँ कोई है कोई है कोई है, और कहाँ से कोई है पूर, मतलब आपको अचानक से घर दिख रहे हैं और उसमें कोई आदमी नहीं रहने वाला, हॉन्टेड इफेक्ट, हॉन्टेड। अब मुझे, मैं रास्ता भी खो चुका हूँ और अंधेरा हो रहा है। okay. और लोगों ने कह दिया थे भालू होते हैं इस फील्ड में। और मैंने एक छड़ी उठाई और मैं चलना, तेज चलना शुरू किया। okay. और चलते चलते मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे है। तो मैं और भाई साहब अंधेरा होना शुरू और मैं भागना शुरू, भाग रहा हूँ, ठीक है। और बीच में गाना गाऊं तो अपनी आवाज से डर लगे क्योंकि आप उस पहाड़ में आपकी आवाज आपको इतनी डरावनी लग सकती है। और मैं चल रहा हूँ और इधर पहाड़ है, okay. इधर घना जंगल, मुझे लगा यहाँ से कोई है जो मुझे मुझे फॉलो कर रहा है। और मैं बता रहा हूँ मेरे मतलब मैं उतना जिंदगी में आज तक नहीं डरा हूँ, दो बार डरा हूँ लेकिन ये जो है ना ये जंगल में। अच्छा एनीवे, ऐसा करते करते मैं पहुंच गया। मैं बंगाली वाला किस्सा बता रहा हूँ। किसी तरह पहुंचा तो मुझे अचानक से कुछ आग दिखी और एक गेस्ट हाउस दिखा और एक झील दिखी। क्या बात है, व्हाट अ विजुअल। मैंने कहा वाह। पहुंचा तो देखा एक बैठा हुआ है आदमी आग लगा के और एक टेंट लगा हुआ है। तो मैं गया, मैं उसके पास बैठा, मैंने कहा गेस्ट हाउस? बोलो कोई नहीं है। मैंने कहा तो बोले नहीं ताला लगा है। अच्छा। मैंने कहा आप? बोले नहीं मेरे साथ गेस्ट हैं। ओके। तो दो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज कपल बैठे हुए, तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा तो क्या करूं, बताया तो कोई नहीं अभी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, रात में ना इसके साथ बैठ के आग सेंकते हुए निकाल लूंगा, ठीक है। अच्छा ठंड बढ़ रही है। हाँ। और मेरे पास गर्म कपड़ों के नाम पे कुछ नहीं था, एक स्लीपिंग बैग था लेकिन वो उस टेम्परेचर के लिए तो कतई नहीं था। और ये टेम्परेचर होगा कुछ 2-3 degrees या उससे भी पता नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। मेरे पास वो भी तरीका नहीं था कि मैं वो नाप सकता था। तो मैं तो अज्ञान मतलब अज्ञानी आदमी घुस गया पहाड़ में, चला गया बैठ गया। मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे को ठंड लगनी शुरू। तो उसने बोला सर आप यहाँ से चले जाइए, इनको प्रॉब्लम होगा। तो मैं कहाँ चला जाऊं? मैंने कहा चला जाऊंगा। मैंने कहा कहाँ? पूरा जंगल। हाँ। एक झील, उधर दूर एक गेस्ट हाउस। हाँ। टूटा फूटा सा और कोई नहीं, तीन लोग, राइट। मैंने कहा हाँ ठीक है सॉरी, और मैं वहां से उठ गया। अब उठ के एक छोटा सा मंदिर था, मैं वहां ढूंढने लगा कि मुझे जो ना वहां भी ताला लगा हुआ है। अब मैं पूरा पहले भटकता रहा वहां पे कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए जो कि गर्म कर दे मुझे या मैं कोई छत मिल जाए जहां मैं बैठ जाऊं। अब वहां से मैं चल करके आके और झील के ठीक बगल में एक बेंच थी, वहां जाके मैं बैठ गया। ओके। अब मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, वो मैंने खाने शुरू किए। अब विश्वास नहीं करोगे, मैं कांपना शुरू किया, पूरी बॉडी कंट्रोल से बाहर कांप रही है ठंड से, दांत कांप रहे हैं, ये आवाज। और कई साल बाद मैंने ये आवाज सुनी थी अपनी और मैंने कहा इस बात तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। okay. मैं तो मर गया। okay. अच्छा वो भाई वो अपना मतलब जाहिर है वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं कि यार ये किस आदमी को ला करके आप बिठा दियो और मैं बैठा हूँ, मैं कांप रहा हूँ ठंड से और मुझे समझ में नहीं यार, मुझे लग रहा है कहीं से वो घास, सूखी घास कुछ भी मिल जाए जो कि मैं जला लूं या, और उसके पास था सामान लेकिन जाहिर वहां नहीं बैठ सकता था।
कांप रहा हूँ ठंड से और सोच रहा हूँ कि कैसे सर्वाइव करूंगा, और अंधेरा भी हो रहा है, मतलब अब तो अंधेरा हो चुका था हालांकि, और तभी घंटियों की आवाज सुनाई दी, घंटियों की। हाँ, अरे वाह। और सामने से कुछ खच्चर चले आ रहे एक लाइन में, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, मुझे लगा चलो कुछ लोग और आ रहे हैं। अच्छा। वो आए और देखा तो करीब 5-6 लोग थे। हाँ। और अपना सामान वामान लदा हुआ है, जैसे बंगाली लोग चलते हैं, पूरा उनका खाने ला। तो मैं अपना यहाँ पे बैठा रहा, मैंने कहा ठीक है। वो आए, वो गेस्ट हाउस, अच्छा मैं गेस्ट हाउस देख चुका था, उसमें ताला लगा था, तो मैं लौट आया था। वो आए गेस्ट हाउस पे, गए, इधर कोई है क्या? तो मैंने कहा नहीं, वो ताला लगाया। अच्छा। उन्होंने कुछ उठाया, थाप तो ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। मैंने कहा ओ अरे यार कितना बेवकूफ हूं मैं। अब वो भी हाथ से गया। वो लोग आकर के वो गेस्ट हाउस में घुस गए। वेरी गुड। जो और मैं बाहर बैठा हूँ। Right. मैंने कहा ये लोग आए हैं अभी, इनके पहले मैं पहुंचा हूँ, मैं ताला तोड़ के बैठ सकता ना अंदर। मैं कानून का सिपाही बाहर बैठा हूँ। और वो आए, उन्होंने ताला तोड़ा, अंदर घुस गए और उन्होंने पूरा अपना जमाना शुरू किया, आग लगानी शुरू की। और मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं पहाड़ी में देख रहा हूँ दूर, वो लोग सब कर रहे हैं, उनके खच्चर अपना घास चर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ कांप रहा हूँ। अचानक से दो लोग आए घूमते घूमते, अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा बैठा हूँ। तो कोई है साथ में? मैंने कहा नहीं। तो कैसे करेंगे? मैंने कहा कैसे क्या करेंगे, ऐसे रहेंगे? बोले मर जाओगे। मैंने कहा तो पता है मुझे। मैंने कहा मैं आत्महत्या करने आया हूँ। मैंने कहा मुंबई से इतनी दूर मैं एक रोमांटिक जगह, मैं देना चाहता हूँ कि मैं ऐसे आदमी बैठ के कैसे समाधि ले सकता है। बोला चलो ना हमारे साथ। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं आपको क्यों परेशान करो। हाँ। मैंने कहा चलिए। मैं गया, इतने अच्छे लोग थे, उन्होंने सूप बनाया। अच्छा। सूप पिलाया, सूप पिलाने के बाद खाना खिलाया, खिचड़ी विचड़ी जो बनाई, गप्पे मारी। उसके बाद उन्होंने कहा आप सोते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो अच्छा, वो जो गेस्ट हाउस था वो अद्भुत था, सामने दरवाजे पे ताला लगा है, ऊपर पूरी छत खुली हुई। मतलब दो खपड़े ले यहाँ टूटे, वो कभी भी गिर सकता आपके ऊपर। और मैं देख रहा हूँ कि ताला क्यों लगाया है, क्या बचा रहे हो, इसमें कुछ है ही नहीं। तो एनीवे, अब उन्होंने बोला कि आपके पास क्या है सोने के लिए? तो मैंने कहा कुछ नहीं, स्लीपिंग बैग। ये इससे क्या होगा? तो मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, बता हमारा ले लो। तो उन्होंने अपना स्लीपिंग बैग दिया। क्या बात है। अच्छा, मैं लेटा स्लीपिंग बैग में घुस के, मतलब अपने स्लीपिंग बैग को उसके अंदर डाल के लेटा, मेरा मैं कांप रहा हूँ ठंड से तब भी, और ये कमरे के अंदर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना बैग उतारा, बैग से जितने कपड़े थे जितने कपड़े थे सब पहन लिए। ओके। जो जहां पहन सकता था, मतलब सॉक्स हाथ में पहन लिया, मतलब मैं, मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं रात भर सो नहीं पाया, रात भर कांपता रहा। ओके। मतलब ततर 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 ततर, जिसको कहते हैं, मैं सो ही नहीं पाया, एक मिनट नहीं सो पाया। सुबह शायद मेरे ख्याल से एक आध घंटा सोया होगा। जब सुबह थोड़ा टेम्परेचर, उन्होंने रात को चेक किया था, टेम्परेचर माइनस में था। ओके। और अब सोचिए, जब मैं उनका स्लीपिंग बैग, इतना सामान लेके कमरे के अंदर, अच्छा खाना खा के मैं सो नहीं पाया, और मुझे लगा ये रात किसी तरह निकल जाए। उसके बाद अगर मैं बाहर होता तो आप आज इधर बैठे तो लोगों को बोलता कि ये देखिए कितना रोमांटिक तरीके से गया है, ये रुमानी तरीके से। फिर जब सुबह उठा तो वो जो वहां पे बैठा हुआ था आदमी बोला, अरे आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा साले तो मुझे ढूंढ रहे थे यहाँ, मेरी जान। तो खैर उन्होंने मेरी जान बचाई। और ये बहुत बढ़िया किस्सा है। वी विल जस्ट टेक अ ब्रेक एंड वी विल सी यू ऑन द अदर साइड। A billion-dollar acquisition. Another copycat startup got formed. No, the tech world in India is surely moving double the speed of this voiceover. Tune in to Shunya One every Tuesday to catch us talking to the smartest people we know on the IBM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from. Shunya One is brought to you by Setu IMAX. Okay, we are back. As you have guessed by now, the Rotormouth show this time has gone in another direction. From we have heard phenomenal trekking stories and how Kumud basically survived. And if he hadn't survived, we wouldn't have seen him in all the movies and plays that we see him in now. Kumud,
ये रात आपने जो जिक्र किया है वो तो कुछ अलग ही लेवल की रात थी, बहुत ही खतरनाक थी, बहुत खतरनाक थी। और वो मतलब मैं जो बता पा रहा हूँ असल में कुछ भी नहीं है। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग जो किस्सा गो होते हैं, जो हाँ। कहानी बताना जानते हैं, वो एक छोटी सी घटना को इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बता पाते हैं कि आपका उसमें मन लगा रहता। मैं जो इतना बता रहा हूँ, जो मेरे साथ घटा था वो इतना बड़ा था कि मैं बता रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मैं वो बात पहुंचा नहीं पा रहा हूँ जो बात असल में घटी थी मेरे साथ। आप वो डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहे। हाँ। आपके हिसाब से, लेकिन हाँ। हम जो सुन रहे हैं हमको बहुत डिस्क्रिप्टिव लग रहा है। यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, और ये आपके साथ हो चुका है। हाँ। तो ये तो होता है आपकी राइडिंग ट्रेकिंग के बारे में। अभी आप बता रहे थे कि आप कितनी बढ़िया ड्राइविंग करते हो। ओह। तो थोड़ी विशेष टिप्पणियां अपकमिंग ड्राइवर्स के लिए कि आपके ड्राइविंग के बारे में। ये मेरा सालों का सपना है कि मैं एक कार चलाऊं। ओके। मेरे से ज्यादा ये सपना मेरे इन-लॉज का है। जब मेरी शादी हुई थी तो जाहिर है मुझे एक गाड़ी मिलने वाली थी दहेज में। क्या बात है, दहेज में गाड़ी मिलने वाली थी, ये बात आयशी से चेक करनी पड़ेगी। नहीं मतलब दहेज तो मजाक है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि बेटा गाड़ी चलाना सीख लो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सीख लूंगा। और वो गाड़ी हमारे पास आई, उस गाड़ी को आए हुए ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। अब हमने दूसरी गाड़ी ले ली है, उसको भी 6-7 महीने हो गए हैं। राइट। मैं आज तक गाड़ी नहीं चला पाता हूँ। मैंने बीच में एक बार जब मैं बैचलर था तब मैंने एक बार सीखने की कोशिश की थी। ओके। और पहला ड्राइविंग लेसन जब मैं लेने गया तो उसने बताया एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच और ये ऐसा ऐसा करके उसने सब सिखाया, मुझे थ्योरी सिखाई। और दूसरे दिन मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी बड़ी ढुक ढुक 2 बार बंद हो चुकी। मैंने नहीं नहीं ये दबाओ ये दबाओ, मैंने कहा आहा। उसके बाद मैं उठा बाहर निकला और फिर दोबारा कभी नहीं गया, पूरे पैसे दे चुका था। हाँ ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कि हिंदुस्तान में होता है मेरे पास आ गया था। अच्छा लाइसेंस आ गया था, गाड़ी नहीं आ रहा, गाड़ी नहीं आई, लाइसेंस आ गया। और वो लाइसेंस मिलने का भी किस्सा अद्भुत है, वो बताऊंगा तो मुझे। नहीं नहीं बताइए बताइए प्लीज प्लीज। ये बहुत खतरनाक किस्सा। नहीं खतरनाक, हमारे 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 सिस्टम वाले मुझे मार देंगे। नहीं कोई नहीं मारेगा, डोंट वरी। लेकिन मजेदार चीज क्या है कि अभी जैसे मैं अभी कल मैं फिर मैंने एक नई शुरुआत की कि अब इस बार तो गाड़ी सीखनी है मुझे। ओके। तो मैं गया ड्राइविंग सीखने के लिए तो जो साहब थे उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया और मैं ऐसे नर्वस हो रहा हूँ जैसे मैं असल में बच्चा एग्जाम देने से पहले नर्वस होता, उससे ज्यादा मुझे नर्वस। राइट। और जिस दिन मैंने सोचा था दोबारा से कि मुझे गाड़ी सीखनी है, मुझे हर जगह एक्सीडेंट्स दिख रहे हैं। मतलब मैं गाड़ी में पीछे बैठा हूँ, मुझे लगा अब बीड़ी। मैंने कहा उतरी, अरे इतना करीब से क्यों जा रहा। अच्छा मैं असल में साइड में बैठ के ड्राइविंग कर रहा हूँ दिमाग में। अच्छा। और मुझे अंदाजा नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, सारी गाड़ियां मेरी तरफ आ रही है। तो मैं कल रात में ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि कल का जो दिन का सेशन था मेरा उनके साथ, मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उनके साथ, तो वो ले गए गाड़ी में बैठाया और उन्होंने बात करनी शुरू की गाड़ी के बारे में। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने, वही ABCB बताया, क्लच बताया, इंजन के बारे में बताया, ये क्या होता है, ऐसे करके बहुत लंबा उन्होंने करीब 2-2.5 घंटे हम गाड़ी में बैठे रहे। और मैं बीच में 2-2.5 घंटे बता रहा था गाड़ी के बारे में। हाँ हम गाड़ी के अंदर बैठे थे। अच्छा। गाड़ी चल नहीं रही थी, मेरी बातें कर रहे थे। हाँ और मेरी बुलेट पीछे खड़ी थी। ओके। और मैं रियर व्यू में देख पा रहा था उसे, मैं बोल रहा था वो भी हंस रही होगी, मुस्कुरा रही होगी, बेटा चला लो तुम। अच्छा ये मुझे बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अरे बहुत आसान है, आप तो बुलेट चलाते हो, आप ये करते हो करते हो। और जितना ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा उतना मेरा कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। मुझे लग रहा है यार ये इतना आसान कैसे हो सकता है। Right. मैंने कहा कि अब ये बोलेंगे कि लेट्स मूव। ओके। हाँ चलिए लगाइए, क्लच दबाइए, एक्सीलेटर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर दबाइए, ये सब अब मैं दिमाग में अभी भी चला ही रहा हूँ इनफैक्ट। राइट। तो मैंने कहा ये बोलेंगे। ओके। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। अच्छा। पूरे 2.5 घंटे वो मुझे लेक्चर देते रहे। क्या लेक्चर दे रहे थे 2.5 घंटे के लिए? पूरा गाड़ी के बारे में पूरे मैकेनिज्म समझाया उसका, ऐसे चलती है, ये होता है, ये करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस दे रहे थे मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे कि तेरे दिमाग से निकल जाए कि तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। ये तो लाइफ कोच हो गया यार। उन्होंने कहा जितनी बड़ी गाड़ी उतना आसान। तो मैंने कहा ट्रक से शुरू करता हूँ। ट्रक में कम से कम ये डर नहीं होगा ना कि अगर भिड़ेगी तो चोट दूसरे को लगेगी। एब्सोल्युटली है ना। तो एनीवे तो कल वो हुआ, आज मुझे जाना है असल में। ओके। यहाँ से जाने के बाद ओके मुझे आज वो सड़क पे उतारेंगे।
एक्चुअली ओके, और मैंने उनको कहा था कि यार सुबह 7:30 बजे मिलते हैं, 7:30 से 8:30 करते हैं, राइट. तो मेरे दिमाग में ये था कि खुली सड़क होगी, कम ट्रैफिक होगा, अपना निकाल लूंगा. उन्होंने कहा नो, उसमें फिर नहीं सीख पाएंगे आप, हमको ट्रैफिक के अंदर सीखना है. मैंने कहा मरवा रहे हो यार, ट्रैफिक के अंदर क्या मरो, मतलब नहीं नहीं कोई नहीं, अंदाजा है आपको और आपने चलाया है. और उनको इतना कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर. फिर उन्होंने बहुत सारे किस्से बताए कि किसको किसको सिखा दिया, कितना मतलब बेवकूफ आदमी था उसको सिखा दिया, आप तो इंटेलिजेंट है. मैंने कहा कैसे पता आपको कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, अगर इंटेलिजेंट होता तो मैं इस प्रोफेशन में थोड़ी होता. सो एनीवे, तो कुल मिलाकर के कि मेरा अभी ये है कि मैं इस बार तो सीख ही लूंगा, ऐसा भी कह रहा हूँ. 2.5 घंटे मुझे तो बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है कि 2.5 घंटे तक उसने आपको लेक्चर दिया. हाँ, उसने पूरा मुझसे पूछा, मेरे से एक तरह का इंटरव्यू भी हो रहा था कि अच्छा आप क्या क्या जानते हैं गाड़ी के बारे में. ओके, मैंने कहा ये शीशा है और ये इसका हैंडल है, और बहुत पेशेंटली सुन रहा था. ओके, और इसको तो वो क्या कहते हैं, गियर बदलते हैं. ओके, और ABC मैंने सीखा था पहले, तो वो ABC एक्सीलेटर ब्रेक क्लच. अब ये थ्योरेटिकली मुझे याद है, राइट. लेकिन पैर से ना, पैर जो है ना दबा रहे हो एक्सीलेटर, वो ब्रेक पे जा रहा है, तो आपको अंदाजा नहीं है. सो तो या, और फिर उन्होंने बताया कि अच्छा एक्सीलेटर का क्या फंक्शन होता है और कैसे होता है. क्या बात है. फिर बोला कि ब्रेक का क्या फंक्शन होता है, फिर क्लच का क्या फंक्शन होता है, और क्लच और इंजन में क्या संबंध है. उन्होंने मतलब, मैंने कहा भाई अगर इतना मैं पढ़ लिया होता ना तो IAS होता आज. क्या बात है. हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही डिटेल में उन्होंने समझाया. उन्होंने वो भी किससे बताया जिन किन को सिखाया है. हाँ, उन्होंने फिर वो कॉन्फिडेंस देने के लिए उन्होंने बोला कि कैसे कैसे लोगों को उन्होंने सिखा दिया है. तभी एक आदमी वहां से गुजरा है और वो तेजी से जा रहा था, बोलता इसको भी सिखाया है और इसके फादर को भी सिखाया. मैंने कहा मेरा बच्चा भी इधर से गुजरेगा और बोलेगा इसके बाप को भी सिखाया. क्या बात. तो आज आप एक्चुअली उतरने वाले हो. आज मैं उतरने वाला हूँ और मेरा मतलब मुझे जो ना, मुझे असल में लोग बोलते हैं कि यार अगर एक बार आप गाड़ी चलाना सीख लोगे तो आपको जो है ना लॉन्ग ड्राइव्स पे जाने में मजा आएगा. लेकिन मेरा मुझे मालूम है कि लॉन्ग ड्राइव्स में गाड़ी में पता नहीं मुझे, लेकिन मैं वो तो बाइक ही है मेरे लिए. बाइक ही सब कुछ है मेरे लिए. बाइक सब घूम फिर के सब बाइक पे आता है. सब बाइक पे आता है. पूरी दुनिया मेरी बाइक पे. अगर मुझे मौका दिया जाए, मैं ढूंढ रहा हूँ एक मौका कि मुझे एक आध महीने का समय मिले, क्योंकि हम हड़बड़ी नहीं करना चाहते. मतलब अभी जैसे 15-20 दिन तो अभी तो घर के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मुझे 15-20 दिन महीना भर मिले तो मैं कोस्टल मारना चाहता हूँ पूरा देश का. क्या बात. और मैंने आपको इफ सपोज बोल दिया कि चलो हम साथ में बैठ के एक वेब सीरीज बना ले, आप माना और सब घूमेंगे कोस्टल, आप आएंगे दौड़ के आएंगे. हम तो इनफैक्ट प्लान भी कर रहे थे, कि हम सोच भी रहे थे कि कुछ इस तरह का कि हम काम करें. क्यों नहीं. और मतलब इस तरह का सिनेमा तो मैं किसी भी दिन, सीरीज किसी भी दिन दौड़ करके कर लूंगा. क्या तो बात है सर. मेरा बाइक चलाने का सपना भी पूरा होता रहेगा और रोमांस भी पूरा होता रहेगा बाइक के साथ. अद्भुत है बाइक, मतलब. तो क्या बात है. तो सर ये बात मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ, हमको करना है साथ में. अभी आपने बोल भी दिया आप ऑन एयर करोगे. बिल्कुल बिल्कुल करूंगा. और कौन आएगा. मानव आएगा. मानव की मैं गारंटी नहीं ले लेता. मानव का सैम आएगा. सैम तो आएगा. सैम आएगा तो बस आप और सैम हो. हाँ हाँ, मानव भी आ सकता है. अच्छा. मतलब अब उसकी व्यस्तता पे, क्योंकि आजकल काफी व्यस्त हो गया. काफी व्यस्त हो गया. एग्जैक्टली. हाँ, तो और काफी अच्छा काम कर रहे हैं. तो आप और सैम तो आओगे 100%. क्या बात है. डेफिनेटली. तो ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है. तो और आप कुछ बता रहे थे हमको कि अभी आप कुछ नया प्ले कर रहे हो या पुराना प्ले है जो अभी वापस. अभी इनफैक्ट ये असल में हमारा समय था जो हमको, मतलब मेरा और सैम का प्लान बना था कि हम लोग इस बार जाएंगे, क्योंकि मार्च खाली हो रहा है, लेकिन घर का काम चालू हो गया. और हमारा 30-31 को एक प्ले है पृथ्वी में, कौमुदी करके एक नाटक है, अभिषेक मजुमदार ने डायरेक्ट किया है. ओके. तो वो पहला प्रेम है थिएटर मेरा. एब्सोल्युटली. तो वो उसके लिए तो मतलब, और हम मेरा सपना ये है कि हम एक प्ले करते हैं शक्कर के 5 दाने. राइट. हम लोग इनफैक्ट बेलगाम गए थे, तो बाइक पे गए थे हम लोग बेलगाम यहाँ से. ओके. पूरी टीम. राइट. हमारे स्कूल में किसी काम से गए थे या हाँ 25 साल हुए थे हमको पास आउट हुए, तो पूरे बैचमेट्स आ रहे थे वहां मिलने के लिए. तो मैंने प्लान किया था कि हम लोग वहां पे शक्कर परफॉर्म करेंगे. वाओ.
तो हमने डिसाइड किया कि बाइक से चलते हैं। तो पूरा सामान हमने बाइक पे लाद करके यहाँ से पूरी टीम हम लोग बाइक पे गए थे। सब पूरी टीम जो परफॉर्म, हाँ, मतलब एक ही सोलो परफॉर्मर हो तो मैं हूँ, लाइट वाला और सेट वाला और एक बैक स्टेज के लिए, तो हम लोग चार लोग की टीम थी और हम लोग बाइक से यहाँ से बेलगाम तक गए थे। क्या बात है। और बाइक से ही वापस आया वाया गोवा होते हुए, तो बहुत मजा आएगा वो, बहुत मजा आया, अद्भुत था। बीच में रुक जाते थे, नदी मिली कूद गए, रुक गए, अब हमारे हाथ में है ना, राइट, तो कूद गए नदी में, अपना 3-4 घंटे वहां बिताए, उसके बाद चले। तो हम लोगों का उस तरह का होता है कि तो लेकिन वो बहुत ही अद्भुत होता है। और आपको अभी जाने के पहले मैं यही बोलूंगा कि इफ थिएटर एंड मोटरसाइकिलिंग उसका कॉम्बिनेशन हो जाए तो यू आर मोस्ट हैप्पी। अद्भुत, मतलब मेरे लिए ये अभी बाइकिंग जीवन में देर से आई, क्योंकि चलानी नहीं आती थी तो कहां से आए, राइट। तो ये दोनों चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार हैं। अच्छा, आप बिफोर यू गो, वन थिंग आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू इज इफ सपोज यू वेंट बाइकिंग और आप यू नो जैसे दिस इज समथिंग आई हैव नेवर सीन, यू वुड हैव सीन व्हेन पीपल परफॉर्म ऑन द स्ट्रीट और वो इम्प्रॉम्प्टू स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो अभी आप जैसे यहाँ से गए गोवा, तो ऑन द वे आप स्टॉप करके आप परफॉर्म करते हो, इज दिस द काइंड ऑफ थिएटर यू एंजॉय डूइंग? I have done that kind of theater a lot, but for last like almost 25 years since I entered drama school, उसके बाद से उस तरह का काम नहीं कर पाया। हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग असल में जा रहे थे, हम लोग अब ये तो सपना है कि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग एक जिसको कहते हैं कि बाइक से लेकर के पूरा ये बर्मा वर्मा हो करके वो पूरा एक वो करें। तो हमने कहा हम इसको फंड कैसे करें, तो हमने कहा एक काम करते हैं कि हम लोग ये परफॉर्मेंस तैयार करते हैं 100% एंड वो परफॉर्मेंस हम लोग अलग अलग जगह रुकते हुए परफॉर्म करते हुए और उसी से जो खर्चा जो है ना उसी से निकालेंगे हम लोग किसी तरह से। तो कुमुद ये हम लोग साथ में क्यों नहीं करते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परफॉर्मेंस तो तैयार होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि मैं इतना कमजोर अभिनेता हूँ कि आप कमजोर अभिनेता हूँ अभी तो बहुत कमजोर हूँ, मतलब ये अच्छा लगता है सुन करके, लोग कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन अच्छा एक संदर्भ में अच्छा हूँ। ओके, असल में अगर आप अपने आसपास देखें अभिनेताओं की फौज और अपने पीछे देखें जिस तरह का काम हो चुका है, अच्छा बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, तो बहुत काम करना है, अच्छा काम करना है। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट परफॉर्मर, लाइक पीपल लाइक राहुल द्रविड एंड ऑल से द सेम थिंग दैट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। कुमुद फॉल्स इन दैट कैटेगरी बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली हम्बल। This has been phenomenal having Kumud on the show. Kumud, thank you so much. आपने हमको इतना सब कुछ समझाया, सिखाया, हमको ड्राइविंग के बारे में नई चीजें सीखने मिली है। मुझे ये इंस्ट्रक्टर को भी लाना है पॉडकास्ट पे 2.5 घंटे के लिए, हम 2.5 घंटे का पॉडकास्ट उसके साथ करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इज वेरी गुड। यहीं पे बैंड्रा में, हाँ, तो आप मुझे उसका नंबर दे देना, मैं उसको बुला लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और अगली बार हम लोग वापस मिलेंगे। आई होप यू हैड अ गुड टाइम ऑन द शो। बहुत बहुत मजा आया, मैं बहुत नर्वस था, अभी भी नर्वस ही हूँ, लेकिन बहुत बोला मैंने, पता नहीं कितना नॉनसेंस भी बोला होगा। आप लोग अपने दिमाग से जो भी सुन रहे हो उसको वो कर लीजिएगा, डिलीट कर लीजिए, हाँ, छान लीजिएगा, छान लेंगे हम लोग, ठीक है। सो इट्स बीन ग्रेट एंड थैंक यू सो मच एंड गाइज, इट हैज बीन अ फिनोमिनल 2 episodes विद कुमुद। प्लीज कीप ऑन लिसनिंग टू द रोटोमाउथ पॉडकास्ट एंड प्लीज फॉलो IVM ऑन ऑल द पॉडकास्ट एप्स एंड ऑल द वेबसाइट्स एंड वी शैल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक्स। As you can see, we have a podcast listener in his natural habitat. Millions of years of evolution have led him to this point. He's on his way to work and listening to podcasts makes his miserable day better. He will now head to work and use all his knowledge to communicate with other colleagues and possibly future mates. You can find more of his species on ivmpodcasts.com, your one-stop destination where you can check out all the coolest Indian podcasts. Happy listening.